तो गाइज वेलकम टू द माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पांच हिडन फीचर्स फॉर मोबाइल। वो फीचर्स किसी को भी नहीं पता होंगे, इनमें से एक आध फीचर से शायद आपको पता हो, वरना तो वो भी नहीं पता होंगे। कुछ ऐसे फीचर्स आपके लिए निकाल के लाया हूँ। जी हाँ, मोबाइल फीचर्स। दोस्तों, आप अपने मोबाइल को इतने सालों से चलाते आ रहे हो, फिर भी आपको पता ही नहीं चला है ना। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब चलिए दिखाता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली टिप के लिए आपको अपना सेटिंग्स खोल लेनी है। सेटिंग्स में आपको जाना है नीचे, यहाँ पर आपको देखना होगा अबाउट फ़ोन। यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा अबाउट फ़ोन, देख सकते हैं ये रहा अबाउट फ़ोन। इस ये वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बिल्ड, वो बिल्ड नंबर। यहाँ पे बिल्ड नंबर आपको दिख जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। नहीं मिलता है तो वर्जन्स में चले जाइएगा। जैसे कि मेरा ऊपर वर्जन है, ये देख सकते हैं ऊपर वर्जन दिख रहा है। इसके अंदर अब मुझे बिल्ड नंबर मिल गया, तो मैं इस पर 4-5 बार टैप करूँगा और मेरा डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। जी हाँ, डेवलपर ऑप्शन। शायद ही आपको पता होगा ये कैसी यूनिक सेटिंग्स है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जो कि आगे बढ़ के हमारे काम आने वाली है। देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन यही है वो। इसके अंदर से आप अपने फ़ोन का कलर वगैरह, मेमोरी वगैरह चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी मेमोरी, कितनी यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है कलर वगैरह मोबाइल का। इसके आपको ये कलर पसंद नहीं है, ब्लैक या फिर वाइट, कुछ भी चेंज कर सकते हो। जी हाँ, तो बढ़ते अपने अगले वाले। तो हमारा सीक्रेट नंबर है, जिसके से आप परेशान हो जाते हो कि भाई नोटिफिकेशन आ रहे हैं, परेशान हो गया मैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको, मेरे को तो दिख गया भाई यहीं पर, ये रहा नोटिफिकेशन बार स्टेटस बार। यहाँ पे आपको इसी को फाइंड कर लेना है अपने सेटिंग्स के अंदर। मेरे को तो मिल गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैनेज नोटिफिकेशन। किसी किसी को तो यहीं पे ही एप्लीकेशन मिल जाएंगे, बट मेरे को मैनेज नोटिफिकेशन के अंदर जाकर ऐप मिल गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को कोई ऐप है जिसके नोटिफिकेशन तुझे इतना परेशान कर रही है कि भाई अब करें क्या, हम उसे हटाएंगे फिर आ जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए क्रोम की नोटिफिकेशन परेशान कर रही है, मैं क्रोम की नोटिफिकेशन को बंद कर दूँगा। यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे आते हैं, शॉर्ट्स नोटिफिकेशन डिस्प्ले, लाइक आप ये डू नॉट डिस्प्ले करके आ रहा है, इस मतलब कि आपकी स्क्रीन पे ना दिखे, होम स्क्रीन पर, बाहर जब लॉक खोल ले तब आए, लॉक स्क्रीन पे ना दिखे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये गेन स्पेस परेशान कर रहा है, मतलब वैसे तो नहीं कर रहा है एक तरीके से, और जेएफएक्स टू भी परेशान कर रहा है, बट वैसे कर नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, आपको एक भी नोटिफिकेशन इसका नहीं आएगा। जी हाँ, इसका एक भी नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगा। टिप नंबर 2। तो सेकेंड सीक्रेट में मैं आपको बताऊँ कि आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो जूम एंड जूम आउट कैसे कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा। किसी को ये इतना बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगता, वो छोटा कर देते हैं, तो वर्ड को छोटा हो जाता है पर लेकिन आइकन्स नहीं होते हैं। इसके लिए आपको डबल पर ऑप्शन में जाना होगा, मैंने बता दिया था आपको अभी पिछले वाले सीक्रेट में। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिखा होगा स्मॉलेट्स विद करके, स्मॉलेट्स विद करके आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देख सकते हैं मेरा 401 है, आप इसे जितना बढ़ाओगे उतना स्मॉल आपकी चीज़ों को कर देगा। जी हाँ, जैसे कि मैं आप यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट। तो वैसे मैं कर देता हूँ जैसे कि 500 मैंने यहाँ सेट करके राइट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देख सकते हैं थोड़ा बहुत जूम आउट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जूम आउट हो चुका है। या देख सकते हैं मेरा वो मैसेज बार भी कितना अजीब सा लग रहा है, तो उसे और भी ज़्यादा जूम आउट करते हैं, से लगभग कर देते हैं हम 600। ओके, तो हम इसे 960 करते हैं, क्योंकि मेरा 960 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मेरा जूम आउट नहीं होगा। तो देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा स्मॉल हो गया है। ज़्यादा स्मॉल मत करिएगा, वरना आपको फ़ोन चलाने में परेशानी भी हो सकती है, फिर आप मुझसे कहोगे कि भाई क्या करवा दिया तुमने ये। तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, ओ माय गॉड कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, प्यार लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसे लगा देता हूँ अपने पुराने वाले पे, 300 पे सेट कर लेते, 399 पे। एंड देख सकते हैं मेरा पहले जैसा मोबाइल हो गया है। तो आप इसे जूम इन भी कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा और बड़ा करना है, आपके छोटे छोटे हैं काफ़ी, आप इसे बड़ा करना चाहते हो तो आप इसी की मदद से कर सकते हो। इसको एक तरीके से कहा जाए तो इसे कहा जाता है DPI। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ सेट करता हूँ 350 सेट करके सेव कर देते हैं। तो देख सकते हैं मेरा थोड़ा थोड़ा जूम हो चुका है। पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 399 पे सेट कर रखा था, 360 पे कर रखा है, 200 करके देखते हैं। तो 200 तो हुआ नहीं, बट लेकिन हाँ मेरा मैक्सिमम, मतलब मेरा मिनिमम जो है वो है 320, तो
कर देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूम हो गया था। तो मैं पहले से सेट कर लेता हूँ वरना मेरे को कोई प्रॉब्लम वगैरह भी आ सकती है। वैसे अगर आपको अच्छा लगता है जूम आउट या जूम इन पे तो आप कर सकते हो, वैसे मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारा अगला सीक्रेट है जो कि काफ़ी मस्त है, जिससे आपकी जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। लाइक आप पढ़ना चाहते हो कुछ, मतलब पुराना वाला नहीं जो जिसमें हमने बताया था, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा कि जिससे आप कुछ पढ़ रहे हो और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा जूम इन है या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अक्षर है, काफ़ी छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे अक्षर आप उसे चश्मा लगा के पढ़ते हो, इससे बढ़िया आप इसी का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग्स पाना है जो कि मैंने अभी बताया था, या फिर एडवांस सेटिंग्स, इसमें आपको असेंसिबिलिटी में आ जाना है। ये देख सकते हैं ये असेंसिबिलिटी, इसके अंदर आपको नीचे को आना है, नीचे को यहाँ पर आपको दिखेगा मैग्नीफिकेशन। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिखेगा मैग्नीफिकेशन, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ये भी मेरा ऑफ है, मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। लाइक देख सकते हैं ये रहा मैग्नीफिकेशन, इसको आप ऑन कर लीजिएगा, मैंने तो ऑफ कर रखा था फिलहाल क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता, आपको दिखाता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको तीन बार टैप करना है, ट्रिपल टैप। तो देख सकते हैं जूम हो चुका है, लाइक आपको कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ले देख सकते हैं थर्सडे वो 17 अगस्त, देख सकते हैं। अगर आप एक बार इसे स्क्रॉल करके देखोगे, लाइक आपको स्क्रॉल करके देखना है ऐसे करके, ऐसे मतलब इधर उधर घुमा के देखना है पढ़ के, तो इसके लिए आपको दो फिंगरों का इस्तेमाल करना है। दो फिंगरों से आप घुमाओगे तो हो गया, आप जूम भी कर सकते हो। अगर आप एक फिंगर से घुमा के देखोगे तो आपका टैब ही पूरा घूम जाएगा और कुछ नहीं होगा। आपको टू फिंगर का इस्तेमाल करना है, ट्रिपल टैप करोगे वापस पहले जैसा हो जाएगा। मैं इसका यूज़ नहीं करता तो मैं इसलिए इसको बंद कर देता हूँ। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सीक्रेट की तरफ। तो ये सीक्रेट आपको बताएगा, लाइक आप सेकेंड हैंड फ़ोन्स खरीद रहे हो, आपको पता लगा रहे हैं कि आपका फ़ोन ठीक है या ख़राब, तो उसके लिए आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि इसके सेंसर वगैरह या माइक वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ोन मैनेजर के अंदर। फ़ोन मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, लाइक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ऊपर मेरे को मिल रहा है, आप ढूंढ सकते हो। लाइक आपके में आई मैनेजर भी करके मिलता है, मेरे मतलब फ़ोन मैनेजर करके है। तो किसी किसी के फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैनेजर करके कुछ भी नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। देख सकते हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्विक चेक करके आपको दिखाई दे रहा है नीचे, देख सकते हैं आइए क्विक चेक, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोन का सारी डिटेल आ चुकी है, GPU, ऑक्टा कोर वगैरह, स्टोरेज कितना खाली है, कितना बच रहा है। तो स्टार्ट चेक पे क्लिक करके यहाँ से आप जिस भी चीज़ को चेक करना चाहते हो, लाइक मेमोरी, सिम, सिस्टम वर्जन या फिर सेंसर, कनेक्शन टेस्ट या बैटरी एंड चार्जर, बटन एंड स्क्रीन, कैमरा, ऑडियो या फ़ोन वाइब्रेशन, कुछ भी चेक करना चाहते हो। लाइक मैं चेक करना चाहता हूँ सेंसर, तो मैं सब पे से टिक हटा दूँगा। तो सब पे से टिक हटा के मैं सेंसर चेक करने के लिए चेक पे क्लिक कर दूँगा। एंड ये मुझसे अलाव मांग रहा है, तभी तो उसको कुछ पता चलेगा ना यार क्या 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 फ़ोन के अंदर वर्किंग है। तो इसको मैंने अलाव दे दिया, अभी मुझसे बोल रहा है आप अपने सेंसर के आगे अपना हाथ लाओ। जैसे ही हाथ आएगा देख सकता है बिंदु जो है वो एकदम से नीली पड़ जा रही है, नीली हो गई बिंदु। जैसे मैं इसके आगे हाथ ला रहा हूँ सेंसर के, वैसे नीली हो रही है, हटा दे रहा हूँ वैसे ही हट जा रही है नीली, पैसे देख सकते हैं। तो मतलब कि अगर ये ठीक है तो मुझे चेंज पे क्लिक कर देना है। एंड देन आप देख सकते हैं कुछ ये पूछ रहा है ग्रेविटी, मतलब जायरोस्कोप, आप इसके आगे हाथ ऐसे ऐसे वो करोगे, हाई फाई करोगे तो फिर ये आपको बताएगा कि आपका ग्रेविटी वर्क कर रहा है कि नहीं, वरना अगर नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जो दिखा रहा है। ये देख सकते हैं ये ग्रेविटी सेंसर करके कुछ बता रहा है, ग्रेविटी सेंसर इसने चेक ही नहीं करा तो इसलिए एरर बता रहा है। मेरा ग्रेविटी सेंसर मैंने चेक करा रखा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये, तो किसी लगे आपको ये वाली टिप, किसी किसी के फ़ोन में मतलब ये आता ही नहीं है, मतलब आपको बताता हूँ, मैंने अभी बोला था। तो ये टिप आपको अच्छी लगेगी, कैसी लगी मुझे बता देगा। तो इसके लिए आपको फ़ोन में आना है, अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर आपको वो जो डालना है, यहाँ पर आपको वो डालना है क्या कहते हैं, स्टार हैश एंड जीरो एंड फिर स्टार फिर हैश, तो डायरेक्ट देख सकते हैं। ये करने के बाद आपको डायल कर देना नंबर, फिर आपकी रनिंग USSD कोड आएगा, इसे करने के बाद आपका खुल जाएगा सब कुछ। मतलब कि मेरे में तो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है, मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी है इसलिए नहीं आ रहा है। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप ऑसम होगी, आपको अच्छी लगी होंगी ये टिप्स, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये लास्ट वाली टिप आप तभी यूज़ कर सकते हो जब सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हो और आपको जल्दी जल्दी में चेक करना है कि भाई ये मस्त टिप है, मतलब कि मस्त फ़ोन है, क्या क्या चीज़ इसमें ख़राबी है, तो आप चेक कर सकते हो। तो कैसे लगे आपको ये सारी टिप्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ऐप अच्छी लगी होगी, मुझे तो पता है आपको अच्छी लगेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के अंदर।
तब तक के लिए गुड बाय।